हेलो एंड वेलकम बैक। अगर आपका मन कुछ चटपटा खाने का करे और आप बाहर नहीं जा सकते हो तो घर पे अगर बस पोहा हो तो यूं जाओ और बस 10 मिनट में बना के लाइए चाय के साथ ये चटपटा पोहे का कटलेट। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। पोहे का कटलेट बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक कटोरी में पोहा है। यहाँ पर मैंने थोड़े से मूंगफली को ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास करी लीफ है, ये ड्राइड करी लीफ है। आपके पास फ्रेश हो तो आप वो यूज़ करो। एक छोटी चम्मच पेपर पाउडर, यहाँ पर है धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा, मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक। यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता काट के रखा हुआ है। यहाँ पर आधा प्याज को मैंने छोटा छोटा करके काट के रखा हुआ है। यहाँ पर एक आलू उबाल के रखा है, दो से तीन मिर्ची को काट के रखा है और यहाँ पर मेरे पास नींबू है। पहले हम थोड़ी देर पोहे को भिगो देंगे। पोहे को धोने के लिए यहाँ पर मैंने पोहा को एक स्ट्रेनर में डाल दिया है। अभी इसको अच्छे से दो तीन मिनट धो लेंगे और इसको इसी तरह 5 मिनट रेस्ट करने देंगे ताकि जो एक्सेस वाटर है वो स्ट्रेनर से रिलीज हो जाए। ये देखिए 5 मिनट हो गया है, पोहे से एक्सेस वाटर रिलीज हो गया है और पोहा फूल भी गया है, ये देखिए। तो अभी हम इसको ले जाएंगे। यहाँ पर थाली से मैं बस नींबू निकाल ले रही हूँ। अभी इस प्लेट में भीगा हुआ पोहा डाल देंगे। अभी प्लेट में रखे हुए ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिला लूंगी हाथों से। ये देखिए प्लेट में सारा सामान अच्छे से मिल गया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लूंगी और इसे फिर से अच्छे से मिला लूंगी। अभी इस मिक्सर से हम कटलेट बना देंगे। ये देखिए कैसे झटपट मेरे सारे कटलेट तैयार हो गए हैं। अभी बस इसको फ्राई कर लेंगे और अपना पोहा का कटलेट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर तलने के लिए एक जगह पे मैंने तेल गरम करा है। तेल गरम हो जाए तो हम इसमें कटलेट्स डाल के फ्राई कर लेंगे। एक साइड हो जाए तो इसे दूसरी साइड से पलट कर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे कटलेट्स फ्राई हो चुके हैं। अभी मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ और इनको निकाल लेती हूँ। ये देखा कैसे बस 10 मिनट में बन गया ये पोहे का कटलेट। आप भी बनाइए, चाय के साथ खाइए या फिर ऐसे ही स्नैक कीजिए। बहुत ही टेस्टी होता है और चटपटा होता है। और आप इसे बना के मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं मिलूंगी आप सभी को मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।